हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में, मफरल में, कैप में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। तो देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 5 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है टोटल 4 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 24 फंदे लिए हैं, 20 फंदे 5 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और नीचे से बेस देने के लिए 2 रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रॉ है एंड रॉन्ग साइड है। तो देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 3 फंदे उल्टे, ये हमारा 5 फंदों का पैटर्न है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर से धागा पीछे रखेंगे और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। लास्ट में 2 फंदे सीधे, एस स्टिच उल्टा। फर्स्ट रॉन्ग साइड रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है राइट साइड। अब देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए धागा आगे ही रखेंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 सीधे फंदे हैं। ये देखिए 3 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे, ऐसे एक साथ लेंगे, धागे को आगे ही रखेंगे, उल्टा बुनते हुए 3 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे। देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा लूज ही रखना है, 1 धागा लपेटेंगे, 2 फिर से उल्टा बनाएंगे, 3 4 फिर से बुनेंगे, 5 ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों के 5 फंदे बनाए, 1 2 3 4 5। अब ये आगे के 3 फंदे छोड़कर फोर्थ फंदा, ये देखिए आगे के 1 2 3 फंदे छोड़कर फोर्थ फंदा ऐसे लेंगे नीडल पर और 3 फंदों के ऊपर से ऐसे इसको क्रॉस करेंगे और इसको ऐसे लेकर फिर से राइट नीडल पर लेकर जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 3 फंदों के 5 फंदे बनाए और फिर हमने फोर्थ फंदा उठाकर 3 फंदों के ऊपर से हमने इसको क्रॉस किया और इसको हमने ट्विस्ट करके फिर से राइट नीडल पर लेकर आए हैं। फिर से इसे रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे, 1 इसको थोड़ा सा लूज ही रखेंगे, 2 3 4 5 ड्रॉप करेंगे। अब देखिए 1 2 3 3 फंदे छोड़कर चौथा फंदा ऐसे लेंगे और 3 फंदों के ऊपर से ऐसे लेकर आएंगे और इसको ट्विस्ट करके राइट नीडल पर लेकर जाएंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, 3 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे,
वन टू थ्री फोर फाइव ड्रॉप करेंगे, फोर्थ फंदा उठाएंगे, तीन फंदे के ऊपर से ऐसे ट्विस्ट करके लेकर जाएंगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर्थ फंदा तीन फंदे के ऊपर से ऐसे लेकर जाएंगे और इसको देखिए ऐसे लेंगे। अब लास्ट में दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है। थर्ड रॉ है रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे हैं सीधे बना लेंगे, धागा आगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पांच फंदे हैं, फर्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब हमने दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये देखिए वन दो फंदों का एक फंदा टू, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा और दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर से हमारे पास यहाँ पर तीन फंदे हो गए हैं, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, वन टू, धागा पीछे, दो फंदे सीधे धागा आगे, फर्स्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे और दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, वन टू, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो बार दो फंदों का एक फंदा, वन टू, धागा पीछे, लास्ट में दो फंदे सीधे, स्टिच उल्टा। ये देखिए थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ है राइट साइड, स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए, तीन फंदे सीधे, फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, लास्ट में दो फंदे उल्टे, ऐसे सीधा। ये देखिए फोर्थ रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, लास्ट में दो फंदे सीधे, स्टिच उल्टा। ये देखिए फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रॉ है रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा आगे ही रखेंगे, तीन फंदों के पांच फंदे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखिए फोर्थ फंदा तीन फंदों के ऊपर से लेकर जाएंगे और ट्विस्ट करके लेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, वन टू
3, 4, 5। ये देखिए तीन फंदे छोड़कर फोर्थ फंदा हम उठाएंगे और उसके ऊपर से ऐसे ट्विस्ट करके लेंगे। दो फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 ट्विस्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट में दो फंदे उल्टे, एस्ट इज सीधा। सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है। थर्ड रॉ है रॉन्ग साइड एस्टिच, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 1, 2। ये देखिए फिर से दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो बार दो फंदों का एक फंदा, 1, 2। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो बार दो फंदों का एक फंदा, 1, 2। दो फंदे सीधे, एक उल्टा फंदा, दो बार दो फंदों का एक फंदा, 1, 2। लास्ट में दो फंदे सीधे, एस्टिच उल्टा। ये देखिए रॉ 4 राइट साइड एस्टिच, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे। इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3। दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3। लास्ट में दो फंदे उल्टे, एस्ट इज सीधा। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही इसकी 1, 2, 4 और रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, लेडीज श्रग में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, इसे आप शॉल में मफरल में भी डाल सकती हैं और इसे कैप में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।